दिव्य बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। बसों के परमिट के लिए रूट चार्ट के साथ नक्शा देना हुआ अनिवार्य। सरकारी स्कूल या कॉलेज से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए इस नंबर पर करें संपर्क। सोनाक्षी जहीर के इंटर रिलीजन मैरिज पर पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया बयान। राशन कार्ड में बच्चों का नाम जुड़वाने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर जय शाह ने की बड़ी घोषणा। अब चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 4,500 पदों पर निकली भर्ती। बिहार में हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 4,500 कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जुलाई है। BSc नर्सिंग पास उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 32,000 रुपये सैलरी और 8,000 रुपये इंसेंटिव दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। बिहार में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग निपुण बिहार योजना को लेकर अभियान चलाएगा। बच्चों को भाषा और गणित में निपुण बनाने के लिए प्रदेश के 2,00,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जो बच्चों को भाषा और गणित के दक्ष में दक्ष बनाने के प्रयास करेंगे। इसके अलावा बच्चों में स्कूल आने की ललक बढ़े इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। साथ ही गणित, भाषा और अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तिका भी पहली से तीसरी के बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन बच्चों में साल 2026-27 तक 100% सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा और गणित का समुचित ज्ञान हो, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रीचा सोनी के बारे में। ये एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1985 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत शरारत से की थी। इसके अलावा कलर टीवी में आने वाले धारावाहिक भाग्य विधाता में इन्होंने बिंदिया का किरदार निभाया था। इसके अलावा इन्होंने कई प्रसिद्ध टीवी शो में काम किए हैं, जिसमें बदलते रिश्तों की दास्ता, जाट की जुगनी और सिया के राम जैसे टीवी सीरियल शामिल हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाए गए द साइलेंट स्टैचू जैसी लघु फिल्मों में भी काम किया है। ये लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी हैं। राशन कार्ड में बच्चों का नाम जुड़वाने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। राशन कार्ड हमारे सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इसका लाभ हमें न केवल राशन लेने के दौरान बल्कि और भी कई जगहों पर मिलता है। इसका इस्तेमाल लोग एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी करते हैं। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है और इससे आप अपने बच्चों का नाम भी जुड़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको घर के प्रमुख सदस्य का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद आप आवेदन फॉर्म भरेंगे। जब आपके दस्तावेज का सत्यापन पूरा हो जाएगा तो बच्चे का नाम राशन कार्ड से जुड़ जाएगा। बोरिंग करने से पहले भूजल स्तर की जांच करना हुआ अनिवार्य। बिहार में भूजल की जांच के बिना ही कहीं भी जलापूर्ति योजना के लिए बोरिंग कर दी जाती है और इस वजह से कई अन्य योजनाएं प्रभावित होती हैं और गर्मी के मौसम में तेजी से भूजल का स्तर भी गिरने लगता है। विभागीय समीक्षा में ये खुलासा किया गया है। इसी को देखते हुए अब PHED द्वारा जिलों को दिशा निर्देश दिया गया है कि भूजल स्तर की जांच किए बिना बोरिंग नहीं किए जाएंगे। जलापूर्ति योजना के लिए बोरिंग करने से पहले भूजल स्तर की जांच करना अनिवार्य है, जिससे कि बोरिंग की वजह से आसपास के जलापूर्ति योजना प्रभावित ना हो और गर्मियों के मौसम में भूजल स्तर गिरने का भी खतरा ना हो। बसों के परमिट के लिए रूट चार्ट के साथ नक्शा देना हुआ अनिवार्य। अब बसों के परिचालन के लिए परमिट के लिए रूट चार्ट के साथ नक्शा भी देना होगा और नक्शे में उन सभी पड़ावों को भी दर्शाना होगा जहां से बसें आएंगी जाएंगी। इसके साथ ही ये गारंटी भी देनी होगी कि वे तय परमिट के अनुसार ही उसका परिचालन करेंगे। परिवहन विभाग द्वारा बसों पर परमिट पाने के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रावधान बिहार के अंदर और अन्य राज्यों के लिए परिचालित होने वाली सभी बसों पर समान रूप से लागू होंगी। परिवहन विभाग के अनुसार अंतर क्षेत्रीय मार्ग पर परमिट लेने के लिए बस मालिकों को ये दोनों दस्तावेज पहले अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।
उसके बाद ही परमिट देने की प्रक्रिया की जाएगी। व्हाट्सएप एडमिन अब अपने चैनल पर भी शेयर कर सकेंगे दूसरे चैनल के जरूरी पोस्ट। व्हाट्सएप पर एक और नया अपडेट सामने आया है। दरअसल कंपनी ने व्हाट्सएप चैनल एडमिन को कुछ नई सुविधाएं दी हैं, जिसके तहत चैनल एडमिन चाहे तो दूसरे चैनल के जरूरी अपडेट भी अपने चैनल में फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस संबंध में कंपनी द्वारा कहा गया है कि फॉरवर्ड की गई पोस्ट पर फॉरवर्ड लेबल भी नजर आएगा, साथ ही ओरिजिनल चैनल का लिंक भी इस तरह के फॉरवर्ड पोस्ट पर नजर आएगा। चैनल एडमिन अपने चैनल में पोस्ट शेयर करने के लिए सबसे पहले अपडेट टैब में जाएंगे, फिर चैनल को ओपन करेंगे जहां वे किसी पोस्ट को शेयर करना चाह रहे हैं, फिर पोस्ट को लॉन्ग प्रेस के साथ सेलेक्ट करेंगे, दिस पोस्ट को फॉरवर्ड करना है, उसके बाद टॉप बार से राइट साइड फेस वाले एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च आइकन से अपना चैनल खोजेंगे, फिर शेयर करने वाले ग्रीन एरो पर टैप करके शेयर कर देंगे। रिचार्ज प्लान्स महंगे होने पर भारत सरकार ने स्थिति की स्पष्ट। इन दिनों कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ा दी है। मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ने से कई ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे प्रसिद्ध कंपनियों ने मोबाइल रिचार्ज प्लान भी बढ़ा दिए हैं। ये रिचार्ज प्लान करीब 20% तक महंगे हो चुके हैं। कई लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बिना किसी विनियमन के ट्रैफिक हाई की परमिशन दी है, लेकिन अब इसे लेकर सरकार का बयान सामने आया है। दरअसल नियामक संस्था ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा है कि 3 निजी क्षेत्र की कंपनियों और 1 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ मोबाइल सर्विस मार्केट डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्स के साथ चलता है। भारत सरकार के मुताबिक फ्री मार्केट के फैसलों को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्षमता ट्राई के अधिकार में नहीं है। मत्स्य पालन की इस योजना के तहत किसानों की आमदनी होगी दोगुनी। सरकार प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय दोगुनी करने की हमेशा की कोशिश में लगी रहती है। इसी कड़ी में मत्स्य पालन क्षेत्र में नीली क्रांति लाने की तैयारी चल रही है। ये किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से लाया जाएगा। इसे भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से लाया जा रहा है। आपको बता दें कि मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। किसानों को मछली पालन के लिए इस योजना के तहत 60% का अनुदान दिया जाता है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और महिलाओं को 60% और अन्य सभी को 40% तक का अनुदान दिया जाता है। यदि आप इस योजना के लिए इच्छुक हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://pmmsy.gov.in पर जाना होगा। बच्चों के स्कूल से बाहर पाए जाने पर जाएगी शिक्षा और सेवक की नौकरी। शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक बार फिर से नया निर्देश जारी किया है। नया आदेश के अनुसार अब बिहार में बच्चों को स्कूल से बाहर पाए जाने पर उस क्षेत्र के शिक्षा सेवक की नौकरी ले ली जाएगी और उनके स्थान पर उसे समुदाय के योग्य व्यक्ति को नियमानुसार नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा निर्देश दिया गया है। निर्देश के मुताबिक प्रत्येक शिक्षा सेवक प्रतिदिन विद्यालय अवधि में अपने संबंध में एक विद्यालय में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। आज प्रदेश के इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी। लगातार हो रही बारिश में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग लोगों को बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। आज प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण, कैमूर और रोहतास जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। अब स्टेशन पर एक क्लिक में यात्री टिकट जांच से संबंधित ले सकेंगे जानकारी। कई बार ट्रेन से यात्रा के दौरान टीटी यात्रियों को जानबूझकर परेशान करते नजर आते हैं, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल ऐसे मामले को देखते हुए रेलवे ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स की शुरुआत कर रहा है। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जंक्शन से हो चुकी है। इस जंक्शन पर सोनपुर रेलवे मंडल की तरफ से ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स से संबंधित एक QR कोड सभी जगहों पर लगाया गया है। इसके तहत टीटी अपनी ड्यूटी टिकट जाँच और जुर्माना
वसूली का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस दौरान वे अपनी तस्वीर भी पोस्ट करेंगे। इस संबंध में सोनपुर रेल मंडल के सीनियर DCM रोशन कुमार द्वारा बताया गया है कि एयरपोर्ट की तर्ज पर ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स चलाया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि QR कोड से रेलवे के अधिकारी के साथ आम यात्री भी टिकट चेकिंग की जानकारी और पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। जब इसे स्कैन किया जाएगा तो पता चल सकेगा कि TT ने कहां कितने यात्रियों का टिकट निर्गत किया है। इसके अलावा किस स्टेशन पर टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी मिल सकेगी। शिकायत करने के बाद अब व्हाट्सएप पर पटना पुलिस देगी अपडेट। बिहार की राजधानी पटना में अब पुलिस द्वारा शिकायतकर्ताओं को व्हाट्सएप पर जांच का अपडेट देना होगा। पहले शिकायत करने के बाद पीड़ितों को पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। DIG साहब पटना के SSP राजीव मिश्रा द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि थाने आने वाले पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ताओं से उनका व्हाट्सएप नंबर लिया जाएगा और उनके व्हाट्सएप नंबर पर जांच का अपडेट मिलता रहेगा। अगर मामला FIR लायक नहीं हो तो भी पुलिस की को जांच रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध करानी होगी। BSSC इंटर लेवल परीक्षा की तिथि जारी नहीं करने पर छात्र नेता ने आयोग को दी चेतावनी। 12वीं पास BSSC इंटर लेवल के 12,119 पदों पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर को ही समाप्त हुई थी, जहां 25 लाख के करीब में उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बावजूद इसके अभी तक इस भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं हुई है। परीक्षा तिथि जारी करने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि अगर तिथि जल्द जारी नहीं होती है तो हम लोग इसको लेकर जल्द एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। पारदर्शिता लाने के लिए सबसे पहले आयोग की परीक्षा कैलेंडर जारी करनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थी को पता चल सके कि परीक्षा कब होगी। सरकारी स्कूल या कॉलेज से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए इस नंबर पर करें संपर्क। यदि आपको शिक्षा संबंधी किसी तरह की परेशानी है तो IPRD बिहार ने इस संबंध में जानकारी साझा की है, जहां बताया गया है कि इससे संबंधित किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप टोल फ्री नंबर 144-17 या 1800-345-4417 पर कॉल कर सकते हैं। ये शिकायत प्रधानाध्यापक या शिक्षक की उपस्थिति, विद्यालय भवन या कमरों की स्थिति, मध्याह्न भोजन की आपूर्ति और गुणवत्ता, बेंच डेस्क की उपलब्धता या गुणवत्ता, बच्चों के शौचालय या इसके उपयोगिता को लेकर शिकायत, पेयजल की सुविधा, स्कूल में बिजली और पंखे आदि की स्थिति, ICT लैब को उपलब्धता आदि को लेकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूल के आधारभूत संरचना को लेकर व्हाट्सएप नंबर 9229206201, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित शिकायत के लिए 9229206202, मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत के लिए 9229206203, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से संबंधित शिकायत के लिए 9229206204, साइकिल, पाठ्य पुस्तक, पोशाक और अन्य शिकायत के लिए 9229206205 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नवादा से भारी मात्रा में हुआ शराब बरामद। नवादा में इन दिनों सातिराना अंदाज में शराब की तस्करी की जा रही है। नवादा में शराब तस्कर के घर के बाथरूम की दीवार में तहखाना बना था, जिसमें 63 बोतल पश्चिम बंगाल निर्मित विदेशी शराब बरामद किया गया है। सभी बोतलों पर ओनली फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल लिखा हुआ था। हिसुआ थाना पुलिस के अनुसार पांचू मोहल्ला के सूरी टोला के निवासी रामेश्वर साहब के बेटे सोनू कुमार के घर से शराब की खेप होने की सूचना मुखबिर द्वारा मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर शराब बरामद किया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले तस्करों को खबर हो गई और वे मौके से फरार होने में सफल हो गए। वहीं पुलिस की सघन छापेमारी से क्षेत्र के शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। CUET की प्रोविजनल आंसर की NTA ने किए जारी। 9 जुलाई तक दर्ज कर सकेंगे ऑब्जेक्शन। 7 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2024 का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। परीक्षा के लिए उपस्थित हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET UG से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही NTA ने आंसर की का नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 9 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक उम्मीदवार ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे। यदि कोई उम्मीदवार अपनी OMR या रिकॉर्डेड प्रतिक्रिया नहीं देख पा रहे हैं तो वे ईमेल ID resCUETUG@nta.ac.in पर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बता दें कि प्रश्न पत्र के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए ₹200 का भुगतान करना होगा।
बिहार के बेटे बने ब्रिटेन के सांसद। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी है। वहीं ब्रिटेन के आम चुनाव में वेल्स से जीत हासिल कर बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले कनिष्क नारायण ब्रिटेन में सांसद बन गए हैं। वेल्स यूनाइटेड किंगडम में रह रहे संतोष कुमार और चेतना सिन्हा के पुत्र कनिष्क नारायण वेल्स यूके से लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा में सांसद निर्वाचित हुए हैं। मुजफ्फरपुर निवासी और वर्तमान में वेल्स यूनाइटेड किंगडम में रह रहे संतोष कुमार व चेतना सिन्हा के बेटे कनिष्क इससे पहले सिविल सर्विस में थे। ब्रिटेन में चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और चुनाव के मैदान में उतर गए। वो कैमरॉन के साथ पर्यावरण विभाग में भी काम कर चुके हैं। बता दें कि कनिष्क एसकेजे लॉ कॉलेज के निदेशक जयंत कुमार के भतीजे हैं। करीब 2 महीने पहले ही वे माता पिता के साथ एक पारिवारिक पूजा में शामिल होने के लिए भारत आए थे। हालांकि चुनाव में व्यस्तता के कारण दिल्ली से ही वे वापस लौट गए। सोनाक्षी और जहीर की इंटर रिलीजन मैरिज पर पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। बॉलीवुड एक्टर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 23 जून को शादी के बंधन में बंधे थे और तभी से दोनों कलाकारों को सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा था। तो वहीं ये भी कहा जा रहा था कि सोनाक्षी की शादी से उनके परिवार खुश नहीं थे और ना ही सहमत थे, जिसको सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने गलत बताया था। वहीं एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी की शादी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। टाइम्स नाउ के दिए गए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी की शादी पर बात करते हुए कहा है कि एक पिता के तौर पर मैं अपनी बेटी के लिए खुश हूं और उसकी लाइफ के फैसले में मैं उसके साथ हूं। वहीं अलग समुदायों में शादी को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। ये पहली बार नहीं है कि इस बार इस तरह अलग अलग धर्मों में शादी हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं कभी भी अपने परिवार पर हमला बर्दाश्त नहीं करूँगा। रुपौली उपचुनाव में पप्पू यादव इस प्रत्याशी का करेंगे समर्थन। पूर्णिया रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। इस चुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती हैं, तो वहीं जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल, दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब इसी बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि रुपौली में रुख साफ है, कांग्रेस जिसके साथ है उसके साथ वे भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे रुपौली की जनता के साथ और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम नीतीश से मिले चिराग, कहीं अहम मुद्दों पर की बातचीत। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों की वजह से राजनीतिक पारा हाई है। वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बिहार में लगातार गिर रहे पुल हादसों को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सरकारी नौकरी की बहाली को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा की है। चिराग पासवान ने खुद रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बपिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली बनाई गई थी, जिसके लिए अब तक पहले से रिटायर्ड और रिटायर्ड होने वाले चौकीदारों के आश्रितों की बहाली एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के शेष आश्रितों की नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए गए हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश ने इन सभी मुद्दों पर संबंधित विभागों द्वारा जल्द से जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर साधा निशाना। बिहार में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राजद नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 मिनट का वीडियो एडिट करवाकर पोस्ट कर पिछले 3 दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि सावधान, आप एनडीए सरकार वाले बिहार में हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर जय साहनी की बड़ी घोषणा। बीसीसीआई के सचिव जय साहनी ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बड़ी घोषणा की है। जय साहनी ने कहा है कि रोहित शर्मा को मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 चक्र के साथ साथ 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए साझा की थी। जय शाह ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए और भारत की यात्रा समुद्र से करने वाले पहले यूरोपीय बने। आज के दिन वर्ष 1914 में महान वामपंथी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु का जन्म हुआ था।
आज के दिन वर्ष 1918 में भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेप्सफोर्ड रपट प्रकाशित की गई थी। आज के दिन वर्ष 1972 में बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री और समाजवादी नेता चंद्रशेखर का निधन हुआ था। इस दिन से शुरू होगा शादी विवाह का मुहूर्त। 9 जुलाई से शादी विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है। ये शुभ मुहूर्त 17 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर में आचार्य ने मुहूर्त की 17 तिथियों के बारे में बताया है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। वहीं सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 22 जुलाई को पहला सोमवार, 29 जुलाई को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त को तीसरा सोमवार, 12 अगस्त को चौथा सोमवार और 19 अगस्त को पांचवा सोमवार होगा। सावन के महीने के अंत तक अंतिम सोमवारी को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है नरसिंह, ऑप्शन बी है रोहिणी लोखंडे, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है आयुष्मान गुप्ता। इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? ऑप्शन ए है 1,62,000, ऑप्शन बी है 1,16,000, ऑप्शन सी है 1,78,000, ऑप्शन डी है 1,52,300। इसका सही उत्तर है 1,60,000। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है अमेरिका। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है गोमती। इसका सही उत्तर है कोसी। औरंगजेब के समय पटना का नया नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी अजीमाबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी फरुखाबाद। इसका सही उत्तर है अजीमाबाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मुन्ना प्रसाद, संजय कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, वरुण कुमार, चुन्नू कुमार शर्मा, ओंकार सिंह, राजीव कुमार, चंदा कुमारी, सरोज शर्मा, रघुनंदन कुमार, विनय कुमार, पवन कुमार यादव, कृष्णा प्रसाद, मनमोहन चौधरी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके तरफ के सरकारी भवनों की क्या स्थिति है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।